और यूपी की दो सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी, लंबी लाइनें वहां पर देखने को मिली है, बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचना शुरू कर दिया है। तकरीबन 1 घंटे का समय होने वाला है, ऐसे में 6 बजे तक यहां पर वोटिंग चलने वाली है। रामपुर की स्वार सीट है, मिर्जापुर की 96 सीट पर मतदान लगातार जारी है। दोनों सीटों पर आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। स्वार से अपना दल एसके शफीक और सपा से अनुराधा चौहान उम्मीदवार है। आपको बता दें 96 सीट से भाजपा की रिंकी कोल और सपा से कीर्ति कोल उम्मीदवार है। तो दोनों सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है, कड़ी सुरक्षा और व्यवस्था के वहां पर इंतजाम है। सीसीटीवी के आधार से वहां पर निगरानी भी की जा रही है। तकरीबन 1 घंटे का समय होने वाला है, 6 बजे तक ये वोटिंग चलने वाली है। आपको बता दें कि स्वार से 6 और 96 से 8 प्रत्याशी यहां पर मैदान में उतरे हुए हैं, और साथ ही साथ स्वार सीट आजम खान के बेटे की सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई थी, और वहीं 96 की सीट पर निधन होने के बाद वो सीट खाली हुई, और आज इन दोनों सीटों पर मतदान लगातार जारी है। तो मतदान केंद्र पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं और बड़ी संख्या में लोगों ने वहां पर पहुंचना शुरू कर दिया है। दोनों सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और वोटिंग वहां पर शुरू हो गई है, 6 बजे तक ये वोटिंग चलने वाली है। और साथ ही आपको बता दें कि 13 तारीख को इसके रिजल्ट्स भी घोषित कर दिए जाएंगे। 6 बजे तक यहां पर वोट डाले जाएंगे। इस बार से अपना दल एसके शफीक, सपा से अनुराधा चौहान उम्मीदवार है, 96 सीट से भाजपा के रिंकी कोल, सपा से कीर्ति कोल उम्मीदवार। मुद्दों को सोच करके वोट किया आपने? मुद्दे क्या रहे, यहाँ की समस्याएं क्या है स्वार की? सही है समस्या, आप बताइए। आप भी वोट करके आई हैं, किस तरह के? अच्छा हमारा काम चला है, अच्छा वो हो गया इस स्वार में। तो जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए होना चाहिए, राणो को विधवा को तो मिले, कुछ ना मिले। अच्छा। जो गरीब है गरीबों को मिले, कॉलोनी वगैरह मिले। अच्छा, उस तरह की चुनना चाहते हैं? हाँ। देखिए, ये मुस्लिम समाज की महिलाएं हैं जिन्होंने अभी अभी यहाँ पर स्वार में अपने वोट का इस्तेमाल किया है। उनका कहना है कि जो महिलाओं की शिक्षा और उनके विकास के लिए काम करे, उस तरह का प्रत्याशी वो चुनना चाहते हैं। और यहाँ पर स्वार पर जो है वो विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं अब्दुल्ला आजम, उनकी विधायकी रद्द हो गई थी, इसलिए यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो आज देखना ये होगा कि जनता जो है वो अपना फैसला किसके हक में सुनाती है। कैमरामैन वीरपाल के साथ उबैदुररहमान, एबीपी गंगा, रामपुर। तो स्वार से अपना दल एसके शफीक और सपा से अनुराधा उम्मीदवार है, 96 से भाजपा की रिंकी कोल और सपा से कीर्ति कोल उम्मीदवार है। और यहां पर लगातार इन दोनों सीटों को लेकर वोटिंग जारी है, उपचुनाव है ये। 13 मई को इसके रिजल्ट्स घोषित कर दिए जाएंगे। 1 घंटे से ऊपर का समय यहां पर हो गया है, 6 बजे तक ये वोटिंग चलने वाली है और बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचना यहां पर शुरू कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि रामपुर की स्वार सीट पर सपा उम्मीदवार अनुराधा चौहान ने भी मतदान किया। बूथ संख्या 217 के सरकथल में मतदान किया गया। स्वार सीट पर अपनी जीत का उन्होंने दावा किया है, और ऐसे में लोगों ने वहां पर पहुंचना शुरू कर दिया है। लंबी कतारों में लोगों ने लग के वहां पर वोटिंग करना स्टार्ट कर दिया है, और ऐसे में 6 बजे तक यहाँ पर ये वोटिंग चलने वाली है। 13 मई को ये रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। और अगर सुरक्षा और व्यवस्थाओं की बात की जाए तो कड़ी सुरक्षा के इंतजाम वहां पर किए गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच यहां पर ये वोटिंग करवाई जा रही है। सीसीटीवी से भी लगातार यहां पर निगरानी की जा रही है। रामपुर की स्वार सीट पर सपा उम्मीदवार अनुराधा चौहान ने मतदान किया है। वो संख्या 217 के सरकथल में ये मतदान किया गया। स्वार सीट पर अपनी जीत का वो दावा करती हुई भी नजर आई है। तो रामपुर की जिस पर चौहान, उन्होंने अभी अभी अपना वोट कास्ट किया है, उसे बात करते हैं। मैडम, आज मतदान हो रहा है, जनता अपना फैसला सुनाएगी, क्या उम्मीद है आपको? लोकतंत्र का महापर्व है स्वार टांडा में, और पूरी जनता से मैं अपील करना चाहती हूँ कि मैंने समाजवादी पार्टी से नामांकन किया है। मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरी बहनें, सभी लोग बाहर निकलें और वोट करें, मेरे बच्चे भी वोट करें, ताकि हमें उत्तर प्रदेश में ये दिखाना है कि स्वार टांडा के लोग कितने जागरूक हैं। आपने अपना वोट दे लिया, ये बताइए, चुनाव प्रचार में तो रहीं आप, क्या मुद्दे रहे इस बार? विकास का मुद्दा मेरा अहम है, और मैं सभी के लिए काम करना चाहती हूँ, सेवा के लिए कदम मैंने निकाला है। किस तरह का मतदान चल रहा है अभी तक?
अभी तो मैं देखूंगी जाकर सभी बूथों पर, लेकिन अभी थोड़ी टांडा में परेशानी आई है कि मेरे एजेंट नहीं बनाने दिए जा रहे हैं। कौन नहीं बनाने दे रहा? उन्होंने कहा है कि पुलिस ने कार्ड देखा है और बाहर कर दिया है, अभी बिल्कुल बताया है, फोन से आया है फोन एजेंट का। आपने तो कहा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरे भाई हैं, मैं ठाकुर हूँ, वो लखनऊ में ठाकुर है, मैं यहाँ पर हूँ, तो फिर सहयोग नहीं मिल रहा क्या पुलिस प्रशासन का? मिलना चाहिए, क्योंकि देखिएगा सभी अपनी मेहनत से अपनी कुर्सी तक जाते हैं और मैंने भी मेहनत की है। मैं यही उनसे अनुरोध करूंगी कि यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव कराएं, इस बहन को देखें कि इस बहन ने मेहनत करके इस सेवा के लिए कदम निकाला है और यहाँ पर वो निष्पक्ष चुनाव कराएं। क्या उम्मीद है, किससे मुकाबला होगा आपका? मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, मैंने सेवा के लिए कदम निकाला है और मेरी जनता, मेरे भाई बहन, मेरे बुजुर्ग और मेरे बच्चे मेरा साथ दे रहे हैं। तो ये एजेंट ना बनने का आरोप आप क्यों लगा रही हैं? मतलब कि दिक्कत क्या आई है, किस बूथ पे ये प्रॉब्लम है? अभी मुझे वहाँ पहुँचना है, अभी फोन आया है, मैं वहाँ जाकर देखती हूँ। टांडे में? जी टांडा में। किसी अधिकारी से आपने बात की? अभी मैं जा ही रही हूँ, आप लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं जा रही हूँ अभी। समाजवादी पार्टी की स्वार विधानसभा सीट पर ये प्रत्याशी हैं अनुराधा चौहान, और इन्होंने अभी अभी ये जो इनका यहाँ पर सरथल में पोलिंग स्टेशन है यहाँ पर अपना वोट कास्ट किया, और उसके बाद ये अब क्षेत्र में निकल रही हैं क्योंकि आज मतदान है और जनता जो है स्वार की जनता वो अपना विधायक चुनेगी। नतीजे जो है यहाँ पर इस सीट पर 13 मई को आएंगे, लेकिन आज जनता जो है अपना फैसला वोट के जरिए लेगी कि उसे किसको चुनना है। उबैदुर रहमान, वीरपाल। तो सपा उम्मीदवार अनुराधा चौहान को आपने सुना, मतदान करने गई थी, बूथ संख्या 217 के सरथल में ये मतदान किया है और साथ ही साथ अपनी जीत का दावा करती हुई भी यहाँ पर नजर आई। तो देखिए वोट डालती हुई तस्वीरों में नजर आ रही है। दो सीटों पर अब उपचुनाव होने वाले जो कि लगातार जारी है, स्वार सीट और 96 सीट। स्वार से 6 और आप 96 से 8 उम्मीदवार इस वक्त चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में देखना होगा कि 13 मई को क्या कुछ रिजल्ट सामने आते हैं। और हमारे सहयोगी उबैदुर रहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वार सीट से और उनसे बातचीत करेंगे। उबैदुर, कितनी संख्या में लोग अब तक वहां पर पहुंचे हुए हैं, साथ ही साथ सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम है? देखिए स्वार में मतदान शुरू हुए हुए लगभग 1 घंटा से ज़्यादा का समय हो चुका है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ जो है मतदाता आ रहे हैं, सुबह सवेरे का वक्त है। और जो सुरक्षा व्यवस्था की आपने बात की, तो सुरक्षा के हिसाब से 3 लेयर सुरक्षा है यहाँ पर। जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो लगाया गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान लगाए गए हैं, CRPF के जवान हैं, PSC के जवान हैं, तो 3 लेयर्स में यहाँ पर सुरक्षा कवच है ताकि कोई भी व्यवधान ना हो और जो मतदाता है वो बेखौफ होकर के अपना मत का प्रयोग करें और पोलिंग स्टेशन पर आते रहें। यहाँ पर एक मतदाता है जिन्होंने अभी वोट किया है, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर ये बताइए किन मुद्दों पर वोट किया है, किस तरह का प्रत्याशी चुन रहे हैं? अपने विकास के लिए और अपने मतलब ये है कि देखभाल के लिए, जो परेशानियाँ हों उनको दूर करने के लिए, हर बात के लिए अपने मतलब यह है कि मतदाता को। इस बार दूसरी बार यहाँ पर ऐसा हुआ है कि अब्दुल्ला आजम 2 बार चुने गए लेकिन दोनों बार उनकी विधायकी रद्द हो गई, तो इस बार जो स्वार की जनता है वो किन मुद्दों को सोच करके वोट कर रही है, कैसा प्रत्याशी चुनने जा रहे हैं आप लोग? जो अपने करीबी और अपना मतलब यह है कि देखभाल के लिए जो अपने करीब का होगा उसी को वोट दिया जाएगा। मतलब स्थानीय और विकास के मुद्दों को देख करके वोट करेंगे? स्थानीय। यहाँ पर जो मतदाता हैं वो आ रहे हैं धीरे धीरे, आप देख सकते हैं कि लाइनें लगी हुई हैं। महिला मतदाताओं की संख्या ज़्यादा दिखाई दे रही है क्योंकि महिलाएं चाहती हैं कि सुबह सवेरे जो है वो वोट कर लें, अपनी जो जिम्मेदारी है मतदान की वो निभा लें और उसके बाद उन्हें घर का जो काम काज है वो करना होता है, तो इसलिए आप देख सकती हैं कि दोनों लाइनों में महिलाएँ ज़्यादा हैं पुरुषों के मुकाबले, और लगातार जो है वो महिलाएँ आ रही हैं यहाँ पर स्वार में मतदान केंद्र पर। और कोशिश यही है मतदाताओं की कि ऐसा प्रत्याशी वो चुनने जा रही है यहाँ की जनता जो विकास कार्य कराए, लोकल हो, स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखता हो। और महिलाओं से हमने भी थोड़ी देर पहले बात की थी, उनका कहना था कि जो महिलाओं की शिक्षा का ध्यान रखे और गरीबों के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करे, इस तरह का प्रत्याशी इस बार स्वार की जनता जो है वो चुनने जा रही है। मतदाता लगातार आ रहे हैं, पहुंचने का सिलसिला वहां पर जारी है, अभी कम संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और धीरे धीरे यहां पर लोग और भी ज्यादा बढ़ते जाएंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।